हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में आपने प्रदेश की कुछ स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। दो दिन के बीच में मैंने कोई वीडियो आपको नहीं शेयर किया, ना कोई नया वीडियो मैंने डाला। कुछ ऐसी विषम परिस्थितियाँ थी जिसके वजह से मैंने वीडियो आपको शेयर नहीं किया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज मैं आपको लगातार वीडियो डालने की कोशिश करता रहूँगा, और जिस प्रकार से मैंने प्रदेश की कुछ इकाइयों के बारे में बताया था, प्रदेश का नाम बताया था, प्रदेश की राजधानी बताई थी, प्रदेश के का गठन बताया था, उसका पुनर्गठन बताया था और विभाजन बताया था, आज दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट से रूबरू करवाता हूँ। सबसे पहले प्रदेश की राजकीय भाषा के बारे में बात करते हैं। किसकी बारे में बात करते हैं? प्रदेश की राजकीय भाषा। प्रथम राजकीय भाषा हमारे उत्तर प्रदेश की, प्रथम राजकीय भाषा के बारे में हम बात करते हैं। इसकी घोषणा कब की गई और कैसे की गई, क्या स्थिति थी, आइए हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर हम प्रदेश की राजकीय भाषा में बात करते हैं तो अक्टूबर, कब? अक्टूबर 1947, कब? अक्टूबर 1947 में हमने सबसे पहले, अक्टूबर 1947 में हमने सबसे पहले देवनागरी लिपि, इस लिपि से, देवनागरी लिपि से हमने हिंदी भाषा का चयन किया। हमारे प्रदेश में अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम भाषा के रूप में जो हमारी इकाई है, सर्वप्रथम भाषा के रूप में तो क्या है, प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा अगर उत्तर प्रदेश में की गई 1947 में की गई। कब की गई? 1947 में देवनागरी लिपि से हिंदी भाषा का चयन किया गया। क्या चयन किया गया? हिंदी भाषा का चयन किया गया। दूसरी कंडीशन आते हैं, इसी हिंदी भाषा को हमने प्रथम राजकीय भाषा, ठीक है, मान तो लिया, घोषणा तो हो गई, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संवैधानिक रूप से, हमारे संविधान में किस प्रकार से इसको फॉलो किया गया, कब फॉलो किया, तो आइए देखते हैं। प्रथम राजकीय, क्या? प्रथम राजकीय भाषा यानी जो हमारी हिंदी है वो सभी जगह पर लागू, यानी सभी कार्यालय, कहाँ पर? सभी कार्यालय में, सभी स्थान पर इसको पूर्ण रूप से हमारे संविधान में लागू करना अनिवार्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अनिवार्य। तो भाई जब अनिवार्य किया गया तो उसका सेशन तो हमें पता होना चाहिए, वर्ष पता होना चाहिए, तो वो वर्ष कब का है हम आपको बताते हैं। वो वर्ष है 26 जनवरी 1968। कब का है? 26 जनवरी 1968 से हमारे यहाँ सभी जगहों पर अपनी राजकीय भाषा हिंदी को 1947 अक्टूबर में लागू किया गया। लेकिन अगर पूर्ण रूप से इस भाषा को अनिवार्य करने की स्थिति प्रदान की गई तो कब की गई? 26 जनवरी 1968 में। आइए हम तीसरा स्टेप अपने प्रदेश के बारे में जानते हैं। तीसरा स्टेप है हमारा द्वितीय राजकीय भाषा। भाई अगर प्रथम राजकीय भाषा हमें मिली, पहली हमारी राजकीय भाषा हिंदी है, तो द्वितीय राजकीय भाषा हमारी क्या है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए, द्वितीय राजकीय भाषा हमारे उत्तर प्रदेश की है, वो क्या है? उर्दू है। कब है? उर्दू 1989 यानी 1989 में। कब? 1989 में हम उर्दू को अपनी राजकीय भाषा के रूप में ग्रहण करते हैं। कब ग्रहण करते हैं? 1989 में। ये ध्यान रखिएगा। आइए फोर्थ पॉइंट पर हम चलते हैं, देखते हैं हमने अपने राजकीय पशु को कैसा स्वीकार किया था। हमने राजकीय पशु के रूप में अपने उत्तर प्रदेश में किस पशु को स्वीकार किया? मैक्सिम बच्चों को मालूम ही होगा, बारह सिंगा। क्या कहते हैं उसको? बारह सिंगा। ये हमारा राजकीय पशु है, ठीक है, ये हम लोगों ने अपने, आइए प्रदेश के और आगे इकाइयों में चलते हैं। अगर हम बात करते हैं किसको,
राजकीय पक्षी के बारे में, इसके बारे में राजकीय पक्षी के बारे में बात करें अगर, तो राजकीय पक्षी हमारे उत्तर प्रदेश का क्या है? ये क्वेश्चन आ भी चुका है, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। सारस, क्या कहते हैं इसको? सारस अथवा क्रौंच कहते हैं। क्या कहते हैं? सारस अथवा क्रौंच कहते हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न हमें मिलता रहता है और बच्चे अक्सर गलत भी करते हैं। हमारा राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच है। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। आइए हम बात करते हैं अपनी राजकीय वृक्ष के बारे में। किसके बारे में? राजकीय वृक्ष के बारे में। आइए देखते हैं राजकीय वृक्ष हमारे राज्य का क्या है। तो राजकीय वृक्ष है, मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे, हमारे राज्य का अशोक है। क्या है? अशोक है। हम ये भी गलत कर देते हैं, अभी लेखपाल के पिछले एग्जाम में, अभी 2015 से तो कोई लेखपाल की भर्ती नहीं आई है, लेकिन अभी तक के एग्जामों में, कुछ इससे पहले वाले एग्जामों में हमने देखा है राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, इन सब से जुड़े हुए क्वेश्चंस हमें अक्सर मिलते रहते हैं। आइए राजकीय पुष्प हमारे यहाँ क्या है? सातवां पॉइंट हमारा क्या है? राजकीय पुष्प यानी फूल, फ्लावर। हमारे राज्य का, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? इसे हम कहते हैं पलाश। क्या कहते हैं? आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने, पलाश या टेसु इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? टेसु कहते हैं। बहुत सारे बच्चों ने टेसु के पुष्प को देखा होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तालाब में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तालाब के दलदली स्थानों पे पाया जाता है। आप जहाँ पर क्या नाम है, पानी का जमाव होता है, वहाँ पर पलाश का वृक्ष होता है। 4 जनवरी 2011 कब? 4 जनवरी 2011 से हमारे यहाँ पलाश या टेसु के वृक्ष को राजकीय पुष्प के बारे में माना गया। आइए 8th स्टेप को हम देखते हैं। अपना जो 8th स्टेप है, हमारे यहाँ का राज्य का राजकीय खेल क्या है? क्या है? राज्य का राजकीय खेल। अगर हम राज्य के राजकीय खेल की बात करते हैं तो वो क्या है? हॉकी है। क्या है? हॉकी है। राजकीय खेल की स्थिति अगर हम प्राप्त करते हैं तो हमारे यहाँ हॉकी। और मैं आपको बता दूं, आपके भारत का भी जो खेल है, राष्ट्रीय खेल है, ये हॉकी ही है। हमारे भारत के 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। ऐसे ही आपके उत्तर प्रदेश से हमारा जो राजकीय खेल है, अब राजकीय क्यों कहते हैं भाई? राष्ट्रीय है तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में हम उसे हॉकी को लेते हैं, लेकिन अगर राज्य की स्थितियों में आते हैं तो वो राजकीय खेल हो जाता है। हम लास्ट पॉइंट आपको बताते हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे प्रश्नों में आता भी है। बस इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे, उसके बाद में प्रदेश के प्रशासनिक एवं प्रशासनिक संरचना के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हम आपको बताते हैं कि आप अपने राज्य के चिन्ह को पहचानेंगे कैसे, तो आइए देखते हैं राज्य के चिन्ह को पहचानने के लिए आपको कैसा है हमारा राजकीय चिन्ह। बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न आ चुका है, बच्चे गलती कर देते हैं अक्सर, तो इसको ध्यान रखिएगा कि हमारा राजकीय चिन्ह क्या है। ध्यान रखिएगा, आपको मैं बताऊं, आपने कभी भी 1 रुपए का सिक्का अगर देखा होगा तो राजकीय चिन्ह ऐसे बना होता है। आप जानते हैं एक वृत्त होता है और एक वृत्त में कुछ इस टाइप से ऐसे दो मछली होती है, दो मछली का शीर्ष बनाया जाता है, तो मैं लिख देता हूँ, और उसी में एक धनुष बाण भी बनाया जाता है जो इस तरीके से होता है। तो मैं चित्र पूरी तरीके से नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं जो जो चीज़ें आपके राजकीय चिन्ह में है वो मैं आपको पूरी तरीके से बता रहा हूँ। यानी आपके राजकीय चिन्ह में एक वृत्त होता है। क्या होता है बच्चों? एक वृत्त होता है। दूसरी बात, दो मछली होती है। क्या होती है? ये ध्यान रखिएगा, एक वृत्त, दो मछली और एक तीर धनुष। क्या होता है? एक तीर धनुष होता है। आप यूपी गवर्नमेंट यानी उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी बैच को देखेंगे, कहीं भी कोई चीज अगर राजकीय चिन्ह आपको नजर आता है तो आपको मिलेगा, हमने बताया एक वृत्त, दो मछली, एक तीर धनुष। उसके बाद में
ये सारी चीजें हमारे राजकीय चिन्ह में पाई जाती हैं। अच्छा, तो ये ध्यान रखिए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि राजकीय चिन्ह कब स्वीकार किया गया, तो आप ये भी बता दीजिएगा कि ये हमारा राजकीय चिन्ह 1938 में, ये ध्यान रखिएगा कब 1938 में, इसे नोट करके रख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1938 में आपका राजकीय चिन्ह स्वीकृत किया गया। क्या किया गया? स्वीकृत किया गया। कब किया गया? एक वृत्त दो मछली एक तीर्थधनुष 1938 में आपके उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह स्वीकृत किया गया। तो आज मैंने आपको राजकीय भाषा की घोषणा, जो वीडियो मैंने पहले वाले में डाला था, ठीक है, पहले वाले यूट्यूब में डाला था, उसी की स्थिति के अनुसार मैंने घोषणा राज्य के आगे कंटिन्यूअस मोटिव में हमने वीडियो बनाया है। आज मैंने राजकीय घोषणा भाषा के बारे में, राजकीय भाषा को कब लागू किया गया पूर्ण रूप से, हमारी द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, हमारे राजकीय पशु क्या है, हमारे राजकीय पक्षी क्या है, हमारे राजकीय वृक्ष क्या है, हमारे राजकीय, इनसे जुड़े हुए हर टॉपिक से आपके उत्तर प्रदेश लेखपाल से, आपके UPSI से, आपके OB SSSC से, हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सो वेल थैंक्स। अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रदेश के बारे में ही बताएंगे, प्रदेश की प्रशासनिक संरचना के बारे में बताएंगे, और हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सो गुड आफ्टरनून, वेल थैंक्स।